बारबाडोस में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने सीरीज के पहले मैच को कम स्कोर वाले मुकाबले में बदल दिया। भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर मैदान पर रोहित शर्मा को कड़ी चुनौती दे रहे थे। दरअसल वेस्टइंडीज की पारी के 19वें ओवर में शार्दुल मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे और इस समय कप्तान रोहित शर्मा उन पर काफी भड़क गए क्योंकि वो फील्डिंग में लापरवाही बरत रहे थे। रोहित शार्दुल पर तब गुस्सा हो गए जब वेस्टइंडीज के कप्तान शेहोप ने शार्दुल की खराब फील्डिंग के चलते कुलदीप के पहले ओवर में अतिरिक्त रन लेने का मौका ले लिया। रोहित इसके बाद शार्दुल पर भड़क गए और उन्होंने कैनिंगटन ओवर में मैच के दौरान भारतीय ऑलराउंडर को खराब फील्डिंग के बारे में सुनाया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। पहले वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनकर उभरे कुलदीप ने एक ही ओवर में 6 रन लुटाए। कुलदीप ने अगले दो ओवर मेडल फेंके जिसे स्टार गेंदबाज मेजबान टीम की बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में कुलदीप और जडेजा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। कुलदीप और जडेजा की स्पिन गेंदबाजी जोड़ी वनडे में 7 विकेट या उससे अधिक लेने वाले भारत बाएं हाथ के स्पिनरों की पहली जोड़ी बन गई है। मेजबान टीम पर रोहित एंड कंपनी ने 5 विकेट से जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज पर 1-0 की बढ़त बना ली। रोहित ने मैच के बाद कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिच इस तरीके से खेलेगी। टीम को पहले गेंदबाजी करने और एक स्कोर बनाने की जरूरत थी। पिच में सीमर्स और स्पिनरों के लिए सब कुछ था। हमारे लोगों ने उन्हें उस स्कोर तक सीमित रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। बड़ी बात यह है कि पहला वनडे जीतने के बाद भारतीय टीम में कई त्रुटियां भी नजर आई। अब त्रुटियों को बदलने की कोशिश करेगी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।